दोस्तों आप देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु और आज का हमारा वीडियो है पीटी ग्रेड थर्ड का एडमिट कब जारी हो गए, आप अपना एडमिट कार्ड है वो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और आपका एग्जाम है वो कौन सी डेट में, इसके बारे में हम आपको विस्तृत में जानकारी बताएंगे। दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। दोस्तों RSMSSB ने विज्ञप्ति जारी की गई है, विज्ञप्ति संख्या 595 और 5/9/2018 आज ही जारी की गई है। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड थर्ड मतलब PTI ग्रेड थर्ड के कुल 4500 पोस्ट थे, पद थे, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3930 थे एवं अनुसूचित क्षेत्र के थे 570 पद, जिसके लिए बोर्ड के विज्ञापन संख्या 9/2018 दिनांक 4/5/2018 संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक है 1559 दिनांक 9/5/2018 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक है 1566 दिनांक 5/9/5/2018 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। उक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB जयपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली सीधी भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम निम्नानुसार है। तो दोस्तों PTI ग्रेड थर्ड का एग्जाम डेट है, टाइम है और कितने पारी में होगा वो जारी कर दिया गया है, तो आप अपना एग्जाम है वो देख सकते हैं, एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख रहे हैं परीक्षा का दिनांक है वो है 3/9/2018 रविवार को और प्रथम सत्र या फिर प्रथम प्रश्न पत्र है वो प्रातः 10 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक है और द्वितीय सत्र या फिर द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो होगा अपराह्न 3 बजे से शाम को 5 बजे तक होगा। और दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है, परीक्षार्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा केंद्र पर नकल एवं प्रतिरूपण की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपयोग किए गए हैं, अतः परीक्षा में नकल या प्रतिरूपण कराने के नाम पर ठगी करने वाले एजेंट गिरोह के किसी झांसे या बहकावे में नहीं आए, नकल करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करें। दोस्तों आप किसी भी नकल करवाने वाले एजेंट या फिर पेपर पास करवाने वाले एजेंट के चक्कर में ना पड़े, आप अपना खुद तैयारी करें, खुद अपना एग्जाम दें। दोस्तों किसी के बहकावे में नहीं आना है, अपना खुद का एग्जाम है वो खुद को ही पास करना होता है, इसलिए आप अच्छी तैयारी करें, आपका सिलेक्शन है वो जरूर होगा। अब हम बात करते हैं कि आप अपना एडमिट कार्ड है वो किस तरह से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आप अपना एडमिट कार्ड है वो किस तरह से डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों PTI ग्रेड थर्ड का आप अपना एडमिट कार्ड है वो 25/9/2018 के बाद में ही आप डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन हम आपको प्रोसेस बता देते हैं कि डाउनलोड कैसे करते हैं। दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में सर्च करना है sso.rajasthan.gov.in, उसके बाद में SSO का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको अपनी SSO ID भरनी है, उसके बाद में आपको अपने पासवर्ड भरने, जिस ID से आपने PTI का फॉर्म भरा था वही ID आपको यहाँ पर भरनी है, उसके बाद में एंटर कैप्चा ये नंबर दिए गए ये आपको भरने, अगर आप भूल गए तो I forget my password और ID है वो फॉरगेट कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, उसके बाद में आपको क्लिक करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करना है गेट एडमिट कार्ड। दोस्तों अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है तो आप यहां से डायरेक्ट है गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक कर अपना एडमिट कार्ड है वो निकाल सकते हैं, अपना डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपके नंबर डालने हैं, एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में टेक्स्ट गिवन, ये जो नंबर दिए गए ये आपको यहाँ पर डालने हैं, उसके बाद में गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है तो आप अपना एडमिट कार्ड है वो प्रिंट कर सकते हैं, PDF में अपने सेव भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास एप्लीकेशन ID नहीं है तो माय एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, माय एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में व्यू मोर पर क्लिक करना है, व्यू मोर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखा रहा है, देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ग्रेड थर्ड 2018, आपको यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। व्यू एप्लीकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन है जो आपने फॉर्म भरा था वो आप
यहाँ से देख सकते हैं। अपना एप्लीकेशन नंबर है वो नोट कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। और दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड है वो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। जो निर्देश एडमिट कार्ड में दिए गए उसी की आपको पालना करनी है। दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड है वो इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीडियो, पीटीआई ग्रेड थर्ड के आपका एडमिट कार्ड है वो कब जारी होने वाला है और आपका एग्जाम है वो कौन सी डेट को है और आप अपना एडमिट कार्ड है वो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।